हेलो फ्रेंड्स और हमारे प्रिय छात्रगण, झारखंड के आदिवासी चैप्टर के बारे में हम चर्चा कर रहे थे पिछले क्लास में। और चर्चा में मैंने बताया था आप लोगों को कि झारखंड के 32 जातियों को राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है। यद्यपि जब झारखंड बना था उस समय जनजातियां 30 थी, बाद में कंवर और कोल को 8 जनवरी 2003 को मान्यता प्रदान की गई। छात्र मैंने यही बताया था कि 32 में 24 जनजातियां प्रमुख हैं और 8 आदिम जनजातियां हैं। जो 8 हैं वो हैं असुर, बिरहोर, ब्रिजिया, शबर, कोरबा, माल पहाड़िया, शौरिया पहाड़िया और परहिया, जो झारखंड के कुल आबादी का मात्र 0.72% है। यद्यपि कुल अनुसूचित जनजाति की संख्या जो है वर्तमान में कुल पॉपुलेशन का 86,45,042 है, जो प्रतिशतता में 26.2% है। मैंने ये बताया था छात्रगण आप लोगों को कि झारखंड की जो जनजातियां हैं वो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति से संबंध रखते हैं। यद्यपि भाषा के दृष्टिकोण से इसे दो श्रेणी में रखते हैं, ऑस्ट्रिक भाषा समूह और द्रविड़ियन भाषा समूह। झारखंड के अधिकांश जनजातियां ऑस्ट्रिक लैंग्वेज से रिलेटेड हैं, समूह से संबंध रखते हैं। यद्यपि उरांव की कुड़ुक और सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया की मालतो जो भाषा है वो द्रविड़ से दक्षिण से संबंध रखता है। छात्रगण मैंने ये बताया था कि उस 32 जनजातियों में संथाल सबसे अधिक, उसके बाद उरांव, फिर मुंडा, फिर ओ और पांचवें नंबर पे खरवार है। मतलब संथाल, उरांव, मुंडा, हो और खरवार, ये 5 झारखंड की सबसे प्रमुख आबादी है, जो झारखंड के कुल जनजाति आबादी का 50% से ऊपर है। संथाल तो अकेले कुल पॉपुलेशन का लगभग 35-36% है। छात्रगण आज हम एक लिस्ट देखेंगे कि झारखंड में कौन कौन अनुसूचित जनजातियां को राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया गया है, और तब एक एक करके चर्चा करना प्रारंभ करेंगे विथ नोट्स। तो उसी नोट्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और छात्रगण लिखिए फर्स्ट पॉइंट। वर्तमान में पहला पॉइंट है, वर्तमान में संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार, वर्तमान में संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा झारखंड के 32 जातियों को 32 जातियों को 32 जातियों को जनजातियां के रूप में अधिसूचित किया गया है, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 संथाल, नंबर 1 लिखिए संथाल, नंबर 2 उरांव, नंबर 3 मुंडा, नंबर 4 हो, नंबर 5
खरवार, खरवार, आगे लिखिए नंबर सिक्स खड़िया जनजाति है, खड़िया, खड़िया, नंबर सेवन भूमिज जनजाति है, खड़िया, संथाल, उरांव, मुंडा, हो, खरवार, खड़िया, नंबर सातवा लिखिए भूमिज, भूमिज जनजाति, भूमिज, नेक्स्ट लोहरा, लोहरा, गोंड जनजाति है, गोंड, गोंड, नेक्स्ट महली, नंबर टेन होगा शायद, नंबर टेन लिखिए महली, चेरो, 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 कोरबा, कोरबा, नेक्स्ट सौरिया पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, नेक्स्ट बेदिया, 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 नेक्स्ट असुर, असुर, असुर जनजाति, नेक्स्ट करमाली मतलब करमाली जनजाति, करमाली जनजाति, नेक्स्ट बंजारा जनजाति, बंजारा, बंजारा जनजाति, नेक्स्ट बैगा जनजाति, बैगा, बैगा, नेक्स्ट कवर जनजाति, कवर, कवर जनजाति, नेक्स्ट कोल जनजाति, कोल, कोल जनजाति, नेक्स्ट किसान जनजाति, किसान जनजाति, किसान, नेक्स्ट परहिया जनजाति, परहिया जनजाति, परहिया, नेक्स्ट बिरहोर जनजाति, सबर जनजाति, सबर जनजाति, सबर जनजाति, नेक्स्ट चिक बड़ाइक, चिक बड़ाइक जनजाति, माल पहाड़िया जनजाति, नेक्स्ट बिंझिया, बिंझिया जनजाति, बिंझिया, नेक्स्ट खोंड, गोंड नहीं बोई मैं बोल रहा हूं खोंड, खोंड जनजाति, खोंड जनजाति, नेक्स्ट गोड़ाइत, गोड़ाइत जनजाति, नेक्स्ट बथुड़ी, बथुड़ी, बथुड़ी जनजाति, और लास्ट लिखिए ब्रिजिया, ब्रिजिया जनजाति, लास्ट लिखिए ब्रिजिया जनजाति, ब्रिजिया जनजाति। ओके छात्रगण, तो हम लोग अभी तक ये लिस्ट में देखा कि झारखंड के 32 जातियों को
आर्टिकल 342 के अनुसार राष्ट्रपति ने अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित किया है, जिसमें से 32 का हम लोग लिस्ट देखा कि कौन कौन 32 जातियां को एसटी की श्रेणी में रखी गई है। अब हम प्रत्येक अनुसूचित जनजातियों के सबसे प्रमुख बातों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट सीखना प्रारंभ करेंगे। तो लिखिए नंबर वन, संथाल जनजाति। नंबर वन लिखिए संथाल जनजाति, और संथाल जनजाति का लिखिए फर्स्ट पॉइंट। पहला पॉइंट है संथाल भारत की तीसरी, संथाल जनजाति भारत की तीसरी और झारखंड की सर्वाधिक जनजाति और झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, जो कुल जनजातीय आबादी का अकेले 35% है, 35% 35% है। जो मूल रूप से संथाल परगना में निवास करती है, नेक्स्ट पॉइंट, यह प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड समूह से आती है। जबकि भाषा के दृष्टिकोण से जबकि भाषा की दृष्टि से इसे ऑस्ट्रिक समूह में रखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, संथाल 12 गोत्रों में विभाजित है, 12 गोत्रों में विभाजित है, यद्यपि इनका समाज 4 हड़ों मतलब 4 वर्णों में, मतलब 4 वर्णों, जबकि इनका समाज 4 हड़ों मतलब 4 वर्णों में विभाजित है, जिसे किस्कुहड़, मरुड़ी वर्ण के नाम से जानते हैं।
इनमें से किस्कुहड़ राजा के रूप में, इनमें से किस्कुहड़ राजा के रूप में, मुर्मुहड़ पुजारी के रूप में, सोरेनहड़ सिपाही के रूप में और मरुड़ीहड़ कृषक रूप में होते हैं, कृषक रूप में होते हैं। नेक्स्ट, संथाल जनजाति में एक विवाह प्रचलित है, यद्यपि विवाह के आठ प्रकार होते हैं। बाल विवाह का प्रचलन नहीं है, सर्वाधिक प्रचलित विवाह किरिंग वापला, है जिसके तहत माता पिता के मध्यस्था से, माता पिता के सहमति से, विवाह तय करते हैं। नेक्स्ट, संथालों में सबसे कठोर सजा बिठलाहा है, बिठलाहा है जिसके अंतर्गत अवैध यौन संबंध बनाने पर समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है, नेक्स्ट पॉइंट, संथालों के सबसे बड़ा देवता सिंह बूंगा, या ठाकुर कहते हैं, जिन्हें विश्व विधाता माना गया है, जबकि दूसरा प्रमुख देवता मरांग गुरु है, उसी में इनके अन्य देवताओं में ग्राम देवता को जाहोर एरा या जाहिर एरा, है जिनका निवास स्थान
जिनका निवास स्थान साल ब्रिज में होता है, जिसे जिसे जाहोर थान कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, संथाल गांव के प्रधान को मांझी कहते हैं, एवं इनके पंचायत को मांझी थान, एवं इनके पंचायत को मांझी धान या मांझी थान, एवं इनके पंचायत को मांझी धान कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, संथालों की युवा गिरह को घोटुल, संथालों की युवा गिरह को घोटुल एवं विवाह संस्कार को वापला, कहते हैं। इनके बीच सम गोत्रीय विवाह, अपने गोत्र में इनके बीच सम गोत्रीय विवाह वर्जित है, और संथालों में वधु मूल्य का भी प्रचलन है, जिसे पोन कहा जाता है, नेक्स्ट पॉइंट, संथाल जनजाति का मुख्य पेशा कृषि है, नेक्स्ट पॉइंट, संथालों में आठ प्रकार के विवाह का प्रचलन है, जिसमें से क्रय विवाह खरीदकर, क्रय विवाह को सगाई बापला, विधवा विवाह को सांगा बापला, क्रय विवाह को सांगा बापला, विनिमय विवाह को गोलाइटी, विनिमय वही गोलाइट इसे बोलते हैं गोलट विवाह, विनिमय विवाह को गोलाइट विवाह,
सेवा विवाह को घर दी जवाई बापला, सेवा विवाह को घर दी जवाई बापला या घर जवाई बापला, कमलते जाइए हट विवाह, मतलब जबरदस्ती हट विवाह को, हट विवाह को निर्बोलोक, हट विवाह को निर्बोलोक विवाह, एवं इनके बीच प्रेम विवाह को, एवं इनके बीच प्रेम विवाह को इतुत, एवं इनके बीच प्रेम विवाह को इतुत बापला कहते हैं। कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, संथालों में त्योहारों की शुरुआत आषाढ़ माह से प्रारंभ होता है। प्रारंभ होता है होता है। नेक्स्ट पॉइंट, संथालों संथालों की लिपि को या संथालों की लिपि, संथालों की लिपि ओली या ओल चिकी, संथालों की लिपि ओल चिकी कहलाता है, जिसका आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू, जिसका आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने 1941 में किया था। और बाद में संथाली भाषा को बानवेवां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, संथाल जनजातियों में चित्रकला का भी प्रचलन है, संथाल जनजातियों में चित्रकला का भी प्रचलन है, और संथाल या और संथालों के सबसे और संथालों के सबसे मशहूर चित्रकला को जादू पटिया और संथालों के सबसे प्रमुख चित्रकला को जादू पटिया के नाम से जाना जाता है, जादू पटिया के नाम से जाना जाता है। जाना जाता है।
जाना जाता है उसी में। यद्यपि संथालों में जादू टोना टोटका का भी खूब प्रचलन है, जादू टोना टोटका का भी खूब प्रचलन है, और इस मामले में संथाली औरतों को विशेषज्ञ माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, संथाल जनजाति में एक विशेष चित्रकला, जिसे कॉम्ब कट चित्रकला, COMB कॉम्ब CUT कट पेंटिंग, जिसे कॉम्ब कट पेंटिंग कहा जाता है, इस चित्रकारी में विभिन्न प्रकार के बर्तनों का चित्र बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, संथाल समाज में समान रूप से व्यक्ति के मरने पर शवों को जलाने और दफनाने की परंपरा दोनों प्रकार से प्रचलन में है, तो छात्रगण, हमने JPSC PT पेपर 2 झारखंड समान ज्ञान का एक चैप्टर है झारखंड आंदोलन, और उसी के तहत 4-5 टॉपिक को पढ़ना है। उसमें से एक टॉपिक है झारखंड के संविधान, झारखंड के आदिवासी, झारखंड राज निर्माण आंदोलन, झारखंड आदिवासी विद्रोह, झारखंड स्वतंत्रता आंदोलन भारत के संदर्भ में। ये 4-5 पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं। अभी उसी पॉइंट्स के अंतर्गत, उसी पॉइंट्स में हम पढ़ रहे हैं अभी झारखंड की आदिवासी, जिसमें से आदिवासी का सामान्य परिचय क्या है, और 32 में से केवल संथाल आदिवासी, जो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, उसके बारे में हम लोगों ने समझा और नोट्स लिखा। इस नोट्स में उसके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक का परिदृश्य क्या है, उसकी चर्चा हम लोगों ने की। क्या गोत्र है, क्या वर्ण है, किस वर्ण में किस वर्ण का क्या काम है, ये सारी बातें हम लोगों ने नोट्स के माध्यम से जाना। छात्रगण, हम नेक्स्ट क्लास में अन्य 31 जनजातियां और जो है उसकी चर्चा करना चाहेंगे। ओके, थैंक यू।